दोस्तों, ये रेडमी का 9A और 9C मॉडल जो आता है वो है ये। और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि इसके अंदर लाइट नहीं आ रही है, और इसमें ग्राफिक्स है वो कंप्लीट आ रहा है। ये फ़ोन गिरा हुआ है, कस्टमर का कहना है ये आपको इसकी जालियों से लग रहा होगा, और ये देखो तोड़ रखे हैं सारे। उसके अकॉर्डिंग ही आपको लग रहा होगा कि इसमें जो प्रॉब्लम कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में इसका लाइट नहीं आ रहा है, डिस्प्ले का जो बैक लाइट है वो नहीं जल रहा है इसके अंदर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हर एक वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और बेल आइकन को भी दबा देना। इसको अभी मैंने ऑन किया है, तो अभी आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसके अंदर ग्राफिक्स है वो आ रहा है, लेकिन इसका लाइट है वो नहीं जल रहा है। ठीक है ना, फ़ोन पूरा हीट हो रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रहा है इसका। अपने सबसे पहले तो क्या करता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ एक बार, बोर्ड को ऑन हो गया है, हल्का हल्का हीट होने लग गया है, मतलब फोन है जो ऑन हो चुका है। और मल्टीमीटर को अपन रखेंगे 20 पे, जो अपनी फर्स्ट वाला पॉइंट है इस पे देखेंगे तो वोल्टेज आ रहा 3.89। ठीक है ना, लेकिन ये कहीं ना कहीं बूस्ट नहीं हो पा रहा है वोल्टेज है जो। अपन इसमें लाइट को अभी देखते हैं तो लाइट इसमें आ नहीं रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज है जो बूस्ट नहीं हो पा रहा है। ये फोन वाइब्रेट हुआ लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं आया। अभी इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो लाइट की तरफ से अपन रोजिन अप्लाई कर देंगे, ताकि उससे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। अभी बोर्ड पे आप देखेंगे तो मैंने रोजिन अप्लाई कर दिया है। अब इसको डायरेक्ट ऑन करेंगे और देखेंगे कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है ऐसी। इस रोजिन अप्लाई करने के बाद में आपको डिस्प्ले को ज़रूर लगाना है, तभी वो फ़ोन है जो कहीं से हीट होगा। वाइब्रेट हो गया है फ़ोन, खोल के देखेंगे इसको। ये देखिए, इसकी कॉइल है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, देखिए आपको धुआं भी दिख रहा होगा, इसका बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। तो इसमें क्या है कि कॉइल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज बूस्ट नहीं हो पा रहा है। मेरे को डाउट जा ही रहा था पहले भी। इसकी कॉइल कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई थी। यहाँ पे मैंने दूसरा कॉइल निकाल रखा है। अभी आप देखेंगे तो मैंने कॉइल है उसको मैंने लगा दिया है, इस कॉइल को मैंने लगा दिया है। ठीक है, कॉइल को लगा दिया है, और ये वाली कॉइल है इसकी, बूस्ट कॉइल है जो, मैंने इसको चेंज कर दिया। अब थोड़ा सा बोर्ड एक बार ठंडा हो जाए थोड़ा सा, फिर अपन देखते हैं। दोस्तों, अभी देखेंगे तो अपन है जो मदरबोर्ड को डाल के चेक करते हैं एक बार कि अपना जो काम था वो हुआ है या नहीं हुआ। वाइब्रेट हो गया है फोन, और फाइनली अपना जो फोन था वो कंप्लीट चल चुका है, और
और लाइट थी वो कंप्लीट आ चुकी है। ये देखिए, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और बेल आइकन जिसने भी नहीं दबा रखा है उसको एक ही बात बोलेंगे, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे द्वारा जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। एक बार इसको पूरा ऑन होके आपको बता देते हैं, ये देखिए कंप्लीट चल रहा है, कोई इशू नहीं है फोन के अंदर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।